फाइनली दोस्तों बॉलीवुड के बादशाह यानी कि सलमान भाई की फिल्म किसी का भाई किसी की जान आज अपने पहले दिन को कंप्लीट कर चुकी है। वहीं पर दोस्तों दूसरे दिन के रनिंग में थिएटर्स में चल रही है। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे फिल्म किसी का भाई किसी की जान के पहले दिन के नेट इंडिया और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, साथ ही बात करेंगे दूसरे दिन का कलेक्शन आखिर कितना रहा है, और साथ ही बात करेंगे अभी इस फिल्म को हिट होने के लिए या फिर ब्लॉकबस्टर होने के लिए इस फिल्म को आखिर और कितना कलेक्शन करना होगा। तो फिर ये सारी चीजें जानने के लिए बने रहिएगा इस वीडियो में लास्ट तक। दोस्तों फरहाद जी के डायरेक्शन में बनी फिल्म किसी का भाई किसी की जान 100 करोड़ के बड़ी बजट के साथ बनाई गई थी, और इस फिल्म में हमें सलमान खान के साथ पूजा हेगड़े नजर आई थी। उसी के साथ वेंकटेश, शहनाज गिल, जैसे गिल, राघव जुयाल, जगपति बाबू जैसे बड़े एक्टर्स दोस्तों इस फिल्म में देखने को मिले थे। और ये फिल्म दोस्तों 2014 की साउथ की फिल्म है वीरम का ऑफिशियल रीमेक है, जिसमें हमें थाला अजीत नजर आए थे और ये फिल्म सुपर हिट रही थी। वहीं दोस्तों फिल्म किसी का भाई किसी की जान जब रिलीज हुई तो इस फिल्म को रिलीज होते ही दोस्तों काफी पॉजिटिव रिव्यूज मिले और इसका बेसब्री से इंतजार भी कर रहे थे। वहीं दोस्तों यह फिल्म एक्शन फैमिली ड्रामा फिल्म है, इसलिए यह फिल्म सभी को काफी पसंद आ रही है, और यही कारण है कि यह फिल्म दोस्तों धमाकेदार कलेक्शन करती हुई नजर आई रिलीज के पहले दिन। वहीं दोस्तों आज का कलेक्शन में भी भारी उछाल देखने को मिली है। इसी के साथ दोस्तों बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो आज दोस्तों यह फिल्म काफी धमाकेदार कलेक्शन करती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों यह फिल्म रिलीज होते ही अजय देवगन सर की फिल्म भोला का ओपनिंग डे का रिकॉर्ड तो तोड़ ही चुकी है। वहीं पर दोस्तों आज का कलेक्शन में भी भारी उछाल देखने को मिली है। वहीं पर दोस्तों ये फिल्म अपने रिलीज के पहले दिन यानी कि ओपनिंग डे पर लगभग 12.5 करोड़ का नेट इंडिया कलेक्शन कर चुकी थी, जो कि अपने बजट के हिसाब से डिसेंट सी ओपनिंग है। लेकिन दोस्तों आज का कलेक्शन जो है वो सच में हैरान कर देने वाला है। वहीं दोस्तों वर्ल्डवाइड से पहले दिन का कलेक्शन लगभग 20 करोड़ का हो चुका था। इसी के साथ दोस्तों दूसरे दिन का कलेक्शन में भारी उछाल देखने को मिली है। वहीं दोस्तों आज ये फिल्म वीकेंड होने यानी कि शनिवार होने के कारण और ईद होने के कारण एक भारी उछाल के साथ 20 करोड़ का कलेक्शन करती हुई नजर आ रही है। वहीं पर दोस्तों ओवरसीज से इस फिल्म का कलेक्शन जो है वो लगभग 10 करोड़ का देखने को मिल रहा है। वहीं दोस्तों वर्ल्डवाइड से लगभग ये फिल्म 30 करोड़ का कलेक्शन करती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों दूसरे दिन तक टोटल नेट इंडिया पर से ये जो फिल्म है लगभग 32 करोड़ 50 लाख का कलेक्शन करती हुई नजर आ रही है दूसरे दिन तक टोटल नेट इंडिया भर से। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म को हिट होने के लिए अपने 100 करोड़ बजट के हिसाब से 120 करोड़ का कलेक्शन करना है। वहीं पर दोस्तों टोटल नेट इंडिया भर से दूसरे दिन तक ये फिल्म 32 करोड़ 50 लाख का कलेक्शन तो कर ही चुकी है। वहीं पर दोस्तों हिट होने के लिए अभी इस फिल्म को 88 करोड़ 50 लाख का कलेक्शन और करना होगा। वहीं पर दोस्तों इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर होने के लिए 200 करोड़ प्लस का कलेक्शन करना होगा, तब जाकर के ये फिल्म ब्लॉकबस्टर कहलाएगी। अब आप कमेंट में जरूर से बताना यह फिल्म हिट होगी, सुपर हिट होगी या फिर ब्लॉकबस्टर होगी। साथ ही अगर आप सलमान खान के फैन हो, अगर आप सलमान खान को दिल से पसंद करते हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, और साउथ और बॉलीवुड की मूवीज की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की वीडियोस और न्यूज और अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्रेजी फॉर सिनेमा को सब्सक्राइब जरूर से करना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ख्याल।